हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन, आई एम आल्सो फाइन। प्यारे बच्चों, आप घर पर ही रहें, ध्यान से रहें, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। ओके चिल्ड्रन, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हमारा रिवीजन वर्क के अंतर्गत ये रीडिंग वर्क है। न मन नमन, उठ उठ, नमन उठ, इधर इधर, चलो चल इधर चल, खबर खबर, पढ़ पढ़, खबर पढ़, बचत कर, बचो तो बचत करो, कर बचत कर, रमन रमन, नमन नमन, करो कर रमन नमन कर, अब कलश कलश, रखो रख, अब कलश रख, महल महल, तक तक, चलो चल महल तक चल। डेली आप पढ़ेंगे तो आपका रीडिंग वर्ड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। नमन उठ, इधर चल, खबर पढ़, बचत कर, रमन नमन कर, अब कलश रख, महल तक चल। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा इज मदन बत्तख मत पकड़, मदन बत्तख मत पकड़, भवन पर नजर रख, भवन पर नजर रख, गरम गरम मटर मटर, चखो चख, गरम गरम मटर चख। फिर अजय अजय, नहर नहर, तक तक, चलो चल अजय नहर तक चल, जगत जगत, नकल नकल, मत मत, करो कर जगत नकल मत कर, मदन बत्तख मत पकड़, पूर्ण विराम, ठीक है। हमारा एक वाक्य यहाँ पे खत्म होता है। भवन पर नजर रख, गरम गरम, पहले भी मैंने बताया है, जब सेम साउंड के वर्ड और सेम स्पेलिंग के वर्ड दो होते हैं, उनको बार बार बोला जाता है, रिपीट किया जाता है, उनके बीच में डैश आता है। गरम गरम मटर चख, अजय नहर तक चल, जगत नकल मत कर। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, इसमें क्या है, नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर उचित शब्द बनाना है, ठीक है। इसमें आपको रॉन्ग वे से लिखना लिखा गया है। शो लो, शो प्लस लो प्लस को, शलक तो कुछ नहीं होता। इसका राइट वर्ड क्या है, इसे सीधा लिखेंगे, को लो शो कलश, को लो शो कलश। नेक्स्ट, मो प्लस को प्लस लो, मकल भी कुछ नहीं होता, तो इसका राइट क्या है, को मो लो कमल, लो प्लस मो प्लस हो बराबर मो हो लो महल, मो हो लो महल, ठीक है। अभी तक आप प्लस वाले मैम ने दिए और आपने लिख लिए, ठीक है, लेकिन हमें ऊपर ये भी नोटिस देखना है लिखा हुआ कि ऊपर क्या पूछा है, मिलाकर लिखो पूछा है या फिर ये पूछा है कि वर्णों को सही क्रम में लिखकर उचित शब्द बनाएं। जो आपने प्लस करके लिखा है वो मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, हो प्लस द प्लस श, शहद, श हो द, क्या हो गया, शहद। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिएगा, इसमें क्या है, नीचे गोले दिए गए हैं और उनकी सहायता से शब्द पूरे करने हैं। ये को है, यहाँ मौलो, यहाँ मौरो, यहाँ नौ को, को से ही सब प्लस होंगे, तो को में आपने मौलो को मिलाया, यहाँ क्या हो गया, को मौलो कमल, को से आपने मौरो को मिलाया, क्या हुआ, को मौरो कमर, इस को से आपने नौ और को को मिलाया, हो गया कनक। ओके चिल्ड्रन, ये थी इस तरह की। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसी है, इसमें आपको र दिया है, इसी की तरह है, इसे लिखने का ढंग थोड़ा अलग हो गया है, ये र है, इसमें
नौ ह को मिला दिया है तो र ह न नहीं होगा, पहले इन टू लेटर्स को लिया जाएगा तब रो को प्लस करेंगे, न ह र, ठीक है। श ह र शहर, न ह र नहर, प ह र पहर। बस ध्यान से आपको देखना है कि किस में क्या मिलाना है। इस एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट लेटर को इनसे मिलाना था, पहले वन लेटर फिर टू लेटर, और एक इस एक्सरसाइज में पहले टू लेटर और लास्ट में वन लेटर, ठीक है। टू से स्टार्ट करना है, इसमें वन से स्टार्ट करना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डू दिस वर्क इन हिंदी नोटबुक। चिल्ड्रन ओपन योर हिंदी नोटबुक, राइट हियर टुडेज डेट। डेट क्या डालेंगे, 20 अप्रैल 2021। सही क्रम में लिखो, सही क्रम में लिखो। श ल क शलक, ऐसा नहीं है स ल क ऐसे हमने सलक लिख दिया, नो इट इज नॉट राइट। क्या लिखेंगे, क ल श कलश, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए ना हमारा कलश। म क ल क म ल कमल। ओके चिल्ड्रन, राइट केयरफुली। ल म ह म ह ल महल। ह द श श ह द श ह द शहद। नेक्स्ट एक्सरसाइज, शब्द पूरे करो। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कैसे करने हैं, ठीक है। इस लेटर से इनको जॉइंट करना है, क म ल। नीचे डॉट डॉट से इसलिए किया है ताकि आपका एग्जाम में पता चले ये आपने खुद लिखा है, ये पेपर में आया है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, मैम रिवीजन वर्क करा रही हैं, ध्यान से आपको देखना है और समझना है। क म ल कमल, क म र कमर, क न क कनक। ओके चिल्ड्रन, क म ल कमल, क म र कमर, क न क कनक। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें सेम इसका अपोजिट है, ठीक है। इससे नहीं बनाने आपको, इनसे बनाने, श ह र श ह र श ह र क्या बना, शहर। न ह र नहर, न ह र नहर। प ह र पहर। शहर नहर पहर, इसी तरीके से आपको डेली घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसा मैम आपको कॉपी में कराती हैं ऐसा ही सेम आपको क्वेश्चन मैम का भी करना है, और अपनी एक अलग कॉपी और बनाइए प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी करना है, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।